मेरी मम्मी को कोई फैमिली फंक्शन में जाना था और वो गई वहां पे, और उसका बहुत दिनों से ही शौक था कि वो लाल रंग का लिपस्टिक पहने, लिपस्टिक पहन के वो फंक्शन में गई गई। और दुख की बात ये है कि हम लोगों का रिलेटिव्स उसको कुछ लाइक बहुत अच्छा कुछ नहीं बोला। मेरी मम्मी को बहुत ही शर्मिंदगी वाली बातें सुननी पड़ी, लाइक भरी बहुत ही एंगेजिंग एक माहौल में ऐसा हुआ। मैं दो चीजें कर सकता था, मैं उनको फोन करके उनसे बहुत झगड़ा कर सकता था, उनको गाली गलौज कर सकता था, और दूसरा मैं ये कर सकता था कि मैं कुछ ही ना बोलूं, मैं एकदम उनसे बात ही ना करूं। तो मैंने क्या किया, जैसे आपने बताया कि मैंने एक रेड लिपस्टिक लिया, मैंने उसे लगाया और मैंने वो फोटो उनको भेज दिया अगले दिन सुबह को एक गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ, और मैंने उनको ये भी लिखा कि अब जल्दी से ठीक हो जाए। मेरे दिमाग में ये था कि अगर वो लोग एक औरत के बारे में ऐसे बोल सकते हैं जो कि लिपस्टिक लगाई हुई है, जो कि बहुत ही कॉमन है, तो उसके बारे में अगर इतनी गंदी गंदी बातें बोल सकते हैं, तो मैं एक लड़का होके मेरे इतनी दाढ़ी होते हुए भी मैं लिपस्टिक लगाऊंगा और ये दिखाऊंगा कि वो सिर्फ एक प्रसाधनी की आइटम है, वो मेरे कैरेक्टर को डिफाइन नहीं कर सकता, वो किसी के कैरेक्टर को भी डिफाइन नहीं कर सकता, और वो सिर्फ एक रंग है। हमारे कैरेक्टर या मेरे पौरुषत्व और या कोई कुछ भी इतनी टेम्पररी नहीं है एक मेकअप के जैसा कि मैंने वो लगाया और वो एकदम चूर चूर हो गया। तो ये मैसेज जाना बहुत ही जरूरी था कि मैं उनकी लाइक नॉनसेंस को टॉलरेट नहीं करूंगा। लेकिन आपके इस मैसेज भेजने के बाद उनकी तरफ से क्या कोई रिएक्शन आया? आपके किसी दोस्त ने, आपके किसी कजन ने या रिश्तेदार ने, किसी ने कोई जवाब में कोई बात कही? खुद को लकी समझता हूँ कि मेरे ऐसे दोस्त हैं कि वो लोगों ने ज्यादा सेलिब्रेट किया इस बात का कि मैं एक गलती के बारे में आवाज उठाया। और मेरे जहां तक मेरे रिलेटिव्स की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि वो शायद अभी भी बहुत ही शौक में है। आपने जो किया ये बहुत ब्रेव, एक बहुत बहादुर कदम था, लेकिन बहुत से लोग ये करने में घबराएंगे। उनको शायद ये भी खौफ हो सकता है कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनकी अपनी मर्दानगी, उनकी अपनी मैस्कुलिनिटी पर सवाल उठ सकता है। जो सोसाइटी बोलते हैं कि ये ऐसे करने से मर्दांगी दिखाई जाती है या आपका मैस्कुलिनिटी डिफाइन होता है, अब उसके अलग या उसके ऑपोजिट अगर कुछ करोगे तो भी आपका मैस्कुलिनिटी या मर्दांगी पे कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो उतना टेम्पोरेरी चीज है नहीं कि एक लिपस्टिक लगाओ तो वो चला जाएगा। लिपस्टिक टेम्पोरेरी है क्योंकि उसे मिटा दो तो वो मिट जाता है। मैस्कुलिनिटी को आप मिटा नहीं सकते, या फेमिनिनिटी को भी आप मिटा नहीं सकते। ऐसे मुआशरे में कई बार लोग रिएक्ट ही नहीं करते हैं ये सोचकर कि अरे सिर्फ एक मेरे आवाज उठाने से क्या हो जाएगा, क्या बदल जाएगा। ऐसे लोगों के लिए आपके पास कोई मशवरा है? बूंद बूंद से पानी बनता है। ये एक गलत, जो आपको लगे कि ये गलत है तो वो हमेशा गलत ही रहता है, चाहे वो जितनी भी छोटी या बड़ी क्यों ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जरूर आवाज उठाइए, बिल्कुल आवाज उठाइए, और अपनों के लिए तो और ज्यादा आवाज उठाइए, क्योंकि आपके सिवा उनके पास और है नहीं है कोई। कि आपकी माँ ने आपके इस कदम पर किस तरह रिएक्ट किया, उनको कैसा लगा? उन्होंने आपको डांटा या उन्होंने आपको शाबाशी दी या वो खुश हुई? उसने मुझे ये बात बताई कि बेटा, आपने हमारे लिए जो खड़े हुए वो ही बड़ी बात है। ये कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वो सोशल मीडिया पे किए हो या प्राइवेटली किए हो, बल्कि ये बड़ी बात है कि आपने मेरे लिए आवाज उठाया। आपको इसकी समझ है कि कैसे, कब, कहाँ पे और कितनी कितनी इंटेंसिटी में आपका आवाज उठाना चाहिए कि ताकि किसी को कोई चोट ना पहुंचे, फिजिकल या मेंटल चोट ना पहुंचे। यही बड़ी बड़ी बात है।